नमस्कार दोस्तों, आज हम इस वीडियो में Samsung Galaxy A12 versus Oppo A16 K का फुल डेप्थ कंपैरिजन करने वाले हैं। इसके अलावा इसी कीमत में आने वाले दूसरे स्मार्टफोन की जानकारी भी आपको वीडियो के लास्ट में देंगे। सबसे पहले बात करते हैं दोनों फोन के डायमेंशन की। दोनों फोन की लेंथ की बात करें तो दोनों फोन में सेम ही 6.46 इंच की लेंथ मिलती है। विड्थ की बात करें तो A12 में 2.98 इंच जबकि A16 के में 2.97 इंच की विड्थ मिलती है, जो कि सेम जैसी ही है। बात करें थिकनेस की तो A12 में 0.35 इंच जबकि A16 के में 0.31 इंच की थिकनेस मिलती है। अब बात करते हैं वेट की तो A12 में 205 ग्राम जबकि A16 के में 175 ग्राम का वेट देखने को मिलता है। तो चलिए अब हम डिस्प्ले को कंपेयर करते हैं। डिस्प्ले टाइप की बात करें तो A12 में RTFT LCD जबकि A16 के में IPS LCD की डिस्प्ले मिलती है। एस्पेक्ट रेशियो दोनों फोन में सेम ही 20:9 मिलता है। डिस्प्ले साइज की बात करें तो A12 में 6.5 इंचेस जबकि A16 के में 6.52 इंचेस मिलती है। डिस्प्ले रेजोल्यूशन दोनों फोन में सेम ही 720x1600 मिलता है। स्क्रीन टू बॉडी रेशियो A12 में 82.06% जबकि A16 के में 83% मिलता है। बात करें PPI डेंसिटी की तो A12 में 270 पिक्सेल प्रति इंच जबकि A16 के में 269 पिक्सेल प्रति इंच मिलती है। अब देखते हैं डिस्प्ले के अन्य फीचर्स यानी विशेषताएं की, जो कि मोबाइल फोन का महत्वपूर्ण हिस्सा है। अब बात करते हैं सबके पसंदीदा फीचर्स कैमरा की। दोस्तों, सबसे पहले बात करें मेन कैमरा की तो A12 में 4 कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें कि प्राइमरी कैमरा, अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा, मैक्रो कैमरा और आखिर में डेप्थ कैमरा देखने को मिलता है। और A16 के की बात करें तो इसमें 2 कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें कि प्राइमरी कैमरा और आखिर में AI लेंस देखने को मिलता है। बात करें वीडियो कैमरा की तो दोनों फोन में 7 डिफरेंट टाइप के फीचर्स मिल जाते हैं। अब बात करें फ्रंट कैमरा यानी कि सेल्फी कैमरा की तो दोनों फोन में सिंगल कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें कि 4 डिफरेंट फीचर्स मिलते हैं। आइए अब बात करते हैं हार्डवेयर के बारे में, जिसमें हम CPU, GPU, RAM की इंफॉर्मेशन देखते हैं। हार्डवेयर में सबसे पहले CPU, जो कि स्पीड के हिसाब से देखा जाए तो फोन में सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है, उसकी डिटेल्स देखते हैं। GPU दोनों फोन में सेम ही पावर GE8320 देखने को मिलता है। चिपसेट की बात करें तो A12 में MediaTek Helio P35 और A16 के में MediaTek Helio G35 मिलता है। बात करें RAM की तो A12 में 3 वेरिएंट देखने को मिलता है, जिसमें 4GB, 4GB, 6GB की RAM मिलती है, जबकि A16 के में एक ही वेरिएंट देखने को मिलता है, जिसमें 3GB RAM मिल जाती है। बात करें इंटरनल मेमोरी, जिसको हम स्टोरेज भी कहते हैं, वो A12 में 3 वेरिएंट देखने को मिलता है, जिसमें 64GB, 128GB, 128GB की स्टोरेज मिलती है, जबकि A16 के में एक ही वेरिएंट देखने को मिलता है, जिसमें 32GB स्टोरेज मिल जाती है। एक्सपैंडेबल मेमोरी दोनों फोन में अप टू 1TB है। ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करें तो A12 में एंड्रॉइड V10 क्यू जबकि A16 के में एंड्रॉइड V11 देखने को मिलती है। बैटरी A12 में 5000 mAh जबकि A16 के में 4230 mAh देखने को मिलती है। आइए अब मेन फीचर को देखते हैं। कलर्स की बात करें तो दोनों फोन में सेम ही 3 कलर्स ऑप्शन देखने को मिलते हैं। सब इन्फॉर्मेशन देखने के बाद बात करें प्राइस की तो A12 में 3 वेरिएंट देखने को मिलते हैं, जिसमें कि 4GB रैम 64GB स्टोरेज के साथ ₹12,670, 4GB रैम 128GB स्टोरेज के साथ ₹14,450, 6GB रैम 128GB स्टोरेज के साथ ₹12,499 में मिलता है। और बात करें A16 के की तो उसमें एक ही वेरिएंट मिलता है, जो कि 3GB रैम 32GB स्टोरेज के साथ ₹10,490 में मिलता है। दोस्तों, अब बात करते हैं प्रॉन्स एंड कॉन्स यानी कि फायदे और नुकसान की तो
सैमसंग गैलेक्सी A12 में दो फायदे और चार नुकसान देखने को मिलता है, जबकि बात करें ओप्पो A16 के की तो उसमें सात फायदे और दो नुकसान देखने को मिलता है। फाइनली बात करें है रिजल्ट की तो डिस्प्ले में A12 आगे है, मेन कैमरा में A12 आगे है, फ्रंट सेल्फी कैमरा में दोनों फोन सेम ही है, परफॉर्मेंस में A12 आगे है। दोस्तों अब हम सेम प्राइस में आने वाले दूसरे फोन को भी देख लेते हैं। पहले कॉम्पिटिटर फोन की बात करें तो उसमें Infinix Hot 10 है, दूसरा Micromax Note 1 है, तीसरा Samsung Galaxy M02s है और लास्ट कॉम्पिटिटर फोन की बात करें तो उसमें Vivo Y12G है। और ये सारे फोन की डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है या आपके किसी भी काम में आया है तो प्लीज लाइक करना मत भूलना।